Hello friends, welcome to Sekshet. As already told you, we are providing you with complete UPSC EPFO exam course. Around 20 questions came from 120 questions of general science. So here we are with general science course. So let's begin with the class today. आज का हमारा टॉपिक है मैटर. मैं एक आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि मैटर क्या होता है. हमारे यूनिवर्स में अर्थ पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसको कोई मास होता है, उसको बोलते हैं मैटर. हम मैटर के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आज की हमारी क्लास के टॉपिक्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को हम किस किस पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. नेक्स्ट इज ब्राउनियन मोशन एंड नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. बेसिकली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. आज हम सिर्फ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद अ क्लास टूडे. मैटर क्या होता है? मैटर इज बेसिकली एनी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. हम अर्थ पे, यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसको आप वे कर सकते हैं. जैसे आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. आपके हाथ में पेन है, वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसको आप वे कर सकते हो. इसे बोलते हैं मैटर. इनफैक्ट जो एयर है आपके आसपास, वो भी मैटर है, क्योंकि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इसको हम वे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी हमारा मैटर ही होते हैं. जैसे इसमें एग्जाम्पल्स हैं एयर, वाटर, मिल्क, वुड एक्सेट्रा. सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ये कुछ लिमिटेड से एग्जाम्पल्स ही हैं. बहुत सारे, कोई भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करो, उसका मास होता है, उसे बोलते हैं मैटर. नाउ एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. और ये जो मैटर है, ये बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट से टाइनी पार्टिकल से बना होता है. इतने माइन्यूट होते हैं ये वाले पार्टिकल्स कि आप इसको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते. और इन टाइनी पार्टिकल्स को बोलते हैं एटम्स. कि ये जो भी मैटर है, ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं एटम्स. और ये जो एटम्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली एक मोशन में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. ये कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, हमेशा मूव करते रहेंगे अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे. डिपेंड करता है वो कौन सा मैटर है, बट ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं. ठीक है, और इस मोशन को, कि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, ये एक मोशन क्रिएट कर रहे हैं, और इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. अब आगे हम थोड़ा सा ब्राउनियन मोशन के बारे में एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर लेते हैं. अभी हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, और उस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. ठीक है, तो अब जैसे इसमें देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये एक एटम है. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. ये जो पार्टिकल्स हैं, हमेशा एक मूवमेंट में रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट में. कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कोई फिक्स प्लेस नहीं है जहाँ पे ये मूव कर सकते हैं. ये फ्रीली अपने किसी भी पोजीशन में मूव कर सकते हैं. तो इस, ये जो मूवमेंट है, ये जो जिगजैग मूवमेंट है, इसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन. और इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं. जैसे ये मूव कर रहे हैं, इसको हम बहुत स्पीड से बढ़ा सकते हैं कि कितनी स्पीड से मूव करें. तो वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेसल में पानी लिया हुआ है, इसको हमने हीट करने रख दिया है. तो ये जो पानी है, इस जैसे जैसे ये हीट अप होगा, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है, वो भी स्पीड अप हो जाएगी. वो भी, उसके जो अंदर के पार्टिकल्स हैं, वो उतनी ही स्पीड से मूव करने लग जाएंगे. तो जिससे, जिसकी वजह से जो पानी है, वो इवनली हीट हो जाता है. तो ये किसके अंडर आता है? ये सारा ब्राउनियन मोशन के अंडर आता है. तो अब ब्राउनियन मोशन से हमने दो चीज़ें कंक्लूड कर ली हैं नेचर के बारे में, नेचर ऑफ मैटर के बारे में. फर्स्ट इज कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बहुत ही टाइनी पार्टिकल, जिसको बोलते हैं हम एटम्स. ठीक है, और नेक्स्ट कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, और इस मोशन का नाम क्या होता है? ब्राउनियन मोशन. ठीक है, अब आगे हम अपना मैटर का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. अब हम करते हैं पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. तो इसका पहला है कि
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, पार्टिकल्स से बने होते हैं ये मैटर, ठीक है, और इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स, ठीक है, और ये जो एटम्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, बहुत ही माइन्यूट साइज के होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, और इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेसेस होती है, जैसे अब ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में हमेशा ये स्पेस होती है। अब ये स्पेस डिपेंड करती है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, यानी कि हर ऑब्जेक्ट, हर कोई भी ऐसी अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो अलग अलग होती है। इट्स नॉट लाइक कि एयर के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेसेस सेम होंगे, या एक फ़ोन है उनके पार्टिकल के बीच में स्पेसेस सेम होंगे, नहीं, वो सब अलग अलग स्पेसेस होती है, और इन जो स्पेसेस को क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, और ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि कॉन्स्टेंटली हमेशा मोशन में रहते हैं, और इन मोशन को क्या बोलते थे, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दो तीन ड्रॉपलेट्स थी पानी की, वो कंबाइन होके एक ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो पानी है ये ड्रॉपलेट्स एक बड़े ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है, अब नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो अभी हमने पढ़ा कि मैटर क्या क्या होता है, मैटर के हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैटर की बेसिकली तीन स्टेट्स होती हैं, सबसे पहले सॉलिड, देन इज लिक्विड्स, देन इज गैसेस। अब हम सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स, सॉलिड्स क्या होते हैं, बेसिकली रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का वो पार्ट जो बहुत ही रिजिड है, रिजिड यानी कि उसकी एक फिक्स्ड शेप है, हम उसकी शेप को इजिली चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अब आपका लैपटॉप है, अब लैपटॉप की शेप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फोन की शेप चेंज कर सकते हैं, नहीं। अगर हम इनकी शेप करना भी चाहें चेंज, तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स बेसिकली बहुत ही रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। अब इनके बीच में बहुत ही, अब ये रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि पीछे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में भी जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो उसको एक फिक्स शेप देती है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत ही फोर्स से, फोर्सफुली अट्रैक्ट करके या होल्ड करके रखते हैं, वो उनको फ्रीली मूव नहीं करने देते। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मैग्नीफाइड पिक्चर है सॉलिड्स की, ये देखिए इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, तभी इन्होंने एक दूसरे को फिक्स पोजिशन में पकड़ के या होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। और इनके बीच में, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने ही फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है इनके बीच में, ये बहुत ही कम होती है, तो जिसकी वजह से ये अपने ही फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, अपने ही फिक्स पोजीशन पे मूव करते रहते हैं, और उनको फ्री स्पेस मिलती नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये अपनी ही फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं। और सॉलिड्स में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अभी हमने पीछे देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, मीन्स वो मूव करते रहते हैं ऐसे। अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो कोई मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। अब जैसे मेरा यहाँ पे देखो, ये पेन भी चल रहा है, तो ये मोशन में है, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कार है, कार मूव कर रही है, चल रही है कार, ठीक है, ये कार है, ये मूव कर रही है, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहेगी। तो अब सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि उसके पास, उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होने की वजह से उसको स्पेस नहीं मिलती है मूव करने के लिए, तो जो पार्टिकल्स हैं वो
फ्रीली मूव नहीं कर पाते और वो कम से कम काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसकी सॉलिड्स जो अभी हमने पढ़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सॉलिड्स आर फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि उसकी जो शेप है बिल्कुल फिक्स्ड होती है, जैसे आपके हाथ में पेन है उसकी शेप जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, हम उसको शेप को चेंज नहीं कर सकते, अगर हमने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर फोर्स लगाई तो क्या होगा, पेन ही टूट जाएगा। ठीक है, तो हम सॉलिड्स की जो शेप है उसको फिक्स ही रहती है, हम उसको इजिली चेंज नहीं कर सकते, और उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। यानी कि अगर हम 1 kg एप्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो उनकी उसकी जो वे है या उसकी जो वॉल्यूम है वो हर जगह सेम ही रहेगी। ये नहीं है कि अगर हमने अपने घर पे वे किया तो 1 kg आया और कहीं और वे किया तो वो 2 kg हो गया, नहीं। तो सॉलिड्स की जो वॉल्यूम है उनका जो वेट है वो भी फिक्स्ड ही रहता है, और हम सॉलिड्स को इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब जैसे पेन है, पेन को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, अगर इसको हमने कंप्रेस किया तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड्स को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट कंप्रेस सॉलिड्स ईजली। अब है सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है। हाई डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में हमने पढ़ा था कि इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ही कम होती है। तो जितनी स्पेस कम होगी उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें एक्यूमुलेट हो सकते हैं, तो उतनी ही वो हाई डेंसिटी बन जाते हैं। तो सॉलिड्स की वे जो होता है वो हैवी होता है सॉलिड्स का। ठीक है, नाउ सॉलिड्स डोंट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। अब जैसे ये कंटेनर है, अब मैंने इसमें कोई भी जैसे सॉलिड डाला हुआ है, तो ये सॉलिड जो है ये कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करेगा, उसके बीच में कुछ ना कुछ एयर स्पेसेस ज़रूर रह जाती है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर हमने जार लिया, जार को हमने कम्प्लीटली शुगर क्यूब से फिल कर दिया, ठीक है, हमें देखने में लगेगा कि जार जो है वो कम्प्लीटली फिल हो गया है, लेकिन ऐसे कम्प्लीटली फिल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी छोटी छोटी एयर स्पेसेस रह जाती है। ठीक है, तो सॉलिड्स कभी भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता है, और सॉलिड्स जो है वो एज इट इज फ्लो नहीं करते हैं, वो पूरी की पूरी शेप ही बाहर आ जाती है। जैसे अभी सॉलिड है, ठीक है, कंटेनर में अगर मैंने सॉलिड को थोड़ा टिल्ट किया तो ये इसका जो सॉलिड है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, वो फ्लो नहीं आएगा, फ्लो नहीं करेगा, वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे अब लिक्विड्स है, लिक्विड्स को हम अगर ग्लास को हमने थोड़ा टिल्ट किया तो जितना भी पानी है वो एज इट इज फ्लो कर जाता है, सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज थी, बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे हम रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे, जो जो हमने पढ़ा है अभी उसको एक हम क्विक रिवीजन दे देते हैं। अब रिव्यू क्वेश्चन करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी। आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे MCQs के पैकेजेस हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। कॉम्बो पैकेजेस भी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉम्बोज बनाए हुए हैं। आप एक बार ज़रूर हमारी साइट पर विजिट कीजिए, और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम प्लीज़ जब क्वेश्चन के बाद अपनी वीडियो को थोड़े सेकेंड के लिए पॉज करके जो क्वेश्चन है उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आपको भी पता चले कि आपको ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, आपको इसमें से कितना समझ में आया है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन देना चाहते हैं क्लास से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। सो हमारा क्वेश्चन है, एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसमें कोई मास है, वेट है, उसे क्या बोलते हैं? सॉलिड्स, एटम्स, मैटर या डेंसिटी? ओके, सो आंसर इज सी, मैटर। ठीक है, स्टार्टिंग हमारा टॉपिक ही यही था, मैटर क्या चीज होती है। कोई भी ऐसी चीज जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसका कोई वेट है, मास है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस। ब्राउनियन मोशन हमने पढ़ा था क्या होता है, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये हमेशा एक कॉन्स्टेंटली एक मोशन में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, तो वो था ब्राउनवियन मोशन। तो इस ब्राउनवियन मोशन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करके, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे टेम्परेचर को इंक्रीज करके, या टेम्परेचर को इतना इंक्रीज करे कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, तब उसका ब्राउनवियन मोशन इंक्रीज हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है,
तो इस आंसर इज सी, इंक्रीज करके टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं हमने लेके आना, मगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो उसका ब्राउन इन मोशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस इन सॉलिड्स आर, हमने पढ़ा था जैसे सॉलिड्स के बीच में, सॉरी सॉलिड्स के बीच में ये स्पेसेस होती है जिसे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस पर बोलते हैं। तो ये स्पेसेस सॉलिड्स में कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है, जीरो, होती ही नहीं है या कांस्टेंट होती है, हर पार्टिकल्स के बीच में कांस्टेंट ही होती है। सो इसका आंसर इज बी, मिनिमम, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन सॉलिड्स इज मिनिमम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।